हेलो लिस्निंग फ्रेंड्स नमस्कार श्रोता मित्रों थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद मेनी पीपल इन दर्ल्ड हु जानते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शक्ति से मोहित हैं देर आर समाइफ पावर कुछ ऐसे हैं जो शक्ति की तीव्र इच्छा रखते हैं And there are those who are intoxicated by power. Those who get intoxicated by alcohol can at least recover. कम कम but those who get intoxicated by power seldom recover. कभी -कभी Through the years I have come to distinguish between the mirage of power and real power. वर्षों से मैं शक्ति की मृत तृष्णा और असली शक्ति में अंतर करता आ रहा हूँ बिटवीन फ्लीटिंग पावर एंड परमानेंट पावर क्षणिक शक्ति और स्थायी शक्ति में बिटवीन द विजिबल पावर एंड द इनविजिबल पावर प्रत्यक्ष शक्ति और अदृश्य शक्ति में बिटवीन द एवर डाइंग पावर एंड एवर लास्टिंग पावर हमेशा के लिए मरने वाली शक्ति और अनंत काल की शक्ति में

दे आर टेम्पटेड बाय द एवर डाइंग सेल्फ सर्विंग पावर वो हमेशा मरती हुई आत्मलिप्तता की शक्ति पाने की परीक्षा में पड़ते हैं But on the day of Pentecost, परंतु पेंतेकुस्त के दिन, Jesus, who was true to his promise to his disciples, sent the Holy Spirit. यीशु जो अपने चेलों के साथ की अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा था, उसने पवित्र आत्मा को भेजा. उसने उन्हें बताया था कि जीवन दाता के बिना वो जीवन नहीं पा सकते उसने उन्हें बताया था कि वो उसके आत्मा की शक्ति के बिना अपनी गवाही में प्रभावशाली नहीं हो सकते उसने उन्हें बताया था कि उसके आत्मा की एकता के बिना कोई सच्ची संगति नहीं हो सकती

True to his word, Jesus sent his Holy Spirit. Ten days after his ascension, Jesus sent his Holy Spirit. Jesus sent his Holy Spirit, his Holy Spirit to dwell permanently. इन द बिलीवर्स यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को स्थायी रूप से विश्वासियों में वास करने के लिए भेजा फ्रेंड प्लीज मेरे श्रोता मित्र कृपया मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए एक्ट चैप्टर टू इज अ टर्निंग प्वाइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड प्रेरितों के काम दो अध्याय परमेश्वर के राज्य के इतिहास का मोड है एक्ट चैप्टर टू थाउजेंड कास्ट इज day।, of Pentecost is unrepeatable day. प्रेरितों के काम दो अध्याय हमें बताता है कि पिंते का दिन कभी ना दोहराया जाने वाला दिन है इनग डे फॉर द न्यूर ऑफ द स्पिरिट पिंतेस्त आत्मा के नए युग के उद्घाटन का दिन था वाल फेंड कास्ट इज इंडिविजुअु एक्सपीरियंस फ्रेश बाय एवरी न्यू क्रिस्टियन जबकि पिंत हर नए मसीही के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर नए रूप से अनुभव किया जाता है

Verses one to four. Se Secondly, Dousra, The effect of the power of the Holy Spirit. Verses five to eleven. Thirdly, Tisra, The explanation of the power of the Holy Spirit. Ka Verses twelve and thirteen. Bara the evidence, the effect and the explanation. Pramana. प्रभाव और स्पष्टीकरण इन एक्ट चैप्टर टू वर्स वन डॉक्टर लूकस प्रेरितों के काम दो अध्याय के एक पद में डॉक्टर लूका हमें बताते हैं द डे ऑफ कम दे वर ऑल इन वन प्लेस कि जब पेंट का दिन आया तो सब एक जगह पर एकत्रित है डू यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट मैसेज दैट देवर हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्या आपको पिछले संदेश से याद है कि वहाँ पर 120 लोग एक मन से थे It meant that they were united in purpose. They were all united in waiting. They were all united in anticipation. They were united in the expectation of the coming of the Holy Spirit. The day of Pentecost was to celebrate the feast of the harvest. Pentecost ka din, which always took place 50 days after the Passover. It was also the celebration of the giving of the law to Moses. My listening friend, remember this. The New Testament is the fulfillment of the Old Testament. The Old Testament was the shadow. The New Testament is the real thing. The Old Testament was the symbol. The New Testament is the meaning of the symbol. In the Old Testament, they slayed a lamb.

ट्रस्ट इन हिम ताकि वो उन सब को पाप से छुड़ाए जो उस पर विश्वास लाते हैं 50 days later when they were celebrating the first fruit of their harvest, पचास दिन बाद जब वो अपनी कटनी के पहले फल का उत्सव मना रहे थे the Holy Spirit of God was given. परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया डॉक्टर लूकैद डॉक्टर लूका कहते हैं ऑनलेपिर उस दिन अचानक पवित्र आत्मा आ गया स्पिरिट वॉज कमिंग यद्यपि प्रेरित जानते थे कि पवित्र आत्मा आने वाला है दे डिड नॉट नो हाउ एंड वेन परंतु वो ये नहीं जानते थे कि कहा और कैसे द सेम थिंग वो बी ट्रू अबाउट द रिटर्न ऑफ जीजस क्राइस्ट यही बात यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी सच होगी Those of us who are longing for His return. हम में से जो उसके वापस आने की बात जो रहे हैं those who are expecting the return of the Lord. जो प्रभु के वापस आने की उम्मीद में हैं, Know that His return is imminent. जानते हैं कि उसका आना निकट है

In Acts chapter two, Dr. Luke gives us three evidences of the power of the Holy Spirit. There was an awesome sound. There was an awesome sight. And there was an awesome speech. Or What was the awesome sound? In Genesis chapter 1, verse 2.

Awesome वहाँ एक अद्भुत आवाज थी awesome परंतु वहाँ एक अद्भुत दृश्य भी था लुक से कहता है कि वहाँ आग की Now these are not literal flames. अब ये असल आग की लपटे नहीं they would have burnt the place down. नहीं तो उन्होंने उस जगह को जलाकर भस्म कर दिया होता How do we know that? हम ये कैसे जानते हैं

Fire symbolizes purity. Before the coming of the Holy Spirit, the world was cold, dark, unloved, and impure. पवित्र आत्मा के आने से पहले संसार ठंडा अंधकारपूर्ण, अप्रेमी और अशुद्ध था इन लू 12 नाइन 49, अद लू का रचित सुसमाचार 12 अध्याय के उनचास पद में यीशु ने कहा आई कैन टू ब्रिंग फायर ऑनर मैं धरती पर आग लगाने आया हूँ प्रेजेंट यही उसकी उपस्थिति की आग है That's the फायर ऑफ हिज light. यही उसकी ज्योति की आग है that's the fire of his purity most people do not or cannot comprehend that without the holy spirit in the world the world was a terrible place and log nahi samachte ya samajhi nahi sakte ke pavadhata rakma ke binna yisansar aik bhayanak jagati

And one day when the believers are taken out of this earth, and the Holy Spirit withdraws, darkness will rule supreme. तो अंधकार का शासन होगा it, it और लोग पछताएंगे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे श्रोता मित्र बहुत ध्यान पूर्व सुनी है अद्भुत awesome आवाज कानों से बात करती है ऑसम साइट awesome आंखों से बात करता है वहाँ अद्भुत संदेश था जिसने जीभ के साथ बात की disciples, they were able to speak foreign languages। जब पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को भर दिया तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे Why? क्यों? That brings me to the second point. The effect of the power of the Holy Spirit. Please look at verses 5 to 11 of chapter 2. When the apostles spoke in other languages, there was a reason for that. Let me tell you why. On the day of Pentecost, Pentecost din, there were pilgrims in Jerusalem from every corner of the known world. Mein ke har se the. There were people from Mesopotamia and Cappadocia.

अब जबकि इतनी अद्भुत सनसनाहट और अद्भुत दृश्य के साथ पवित्र आत्मा आ चुका था दे विव एन ऑसम स्पीच इन ओर टू विटनेस इन दीस फॉरन लैंग्वेज तो उन्हें अद्भुत वाणी दी गई ताकि वो इन अन्य भाषाओं में गवाही दे सकें दिस वॉज सच एन ऑसम पावर That the hundreds of thousands of visitors who came to Jerusalem heard the Gospel in their own language. And today,

everlasting power sarvada bani rehne wali shakti permanent power stai shakti self giving power atm balidan ki shakti invisible power adrishya shakti and one day when the invisible power becomes visible or one day when jesus is manifested with all his glory those who were intoxicated with false fleeting earthly power will weep and gnash their teeth तो वो जो झूठी क्षणिक सांसारिक शक्ति से मदहोश रहे वो रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे But it will be too late. परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी द डोर ऑफ मर्सी विल बी दया का दरवाजा बंद हो जाएगा द डोर ऑफ फोर गिवनेस विल बी शर्त क्षमा का द्वार बंद कर दिया जाएगा द डोर ऑफ बी वी अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रमाण The effect of the power of the Holy Spirit. Thirdly, the explanation of the power of the Holy Spirit.

फोर जीजस क्राइस्ट दे वो बी टू रियक्शन जब भी आप सच्चाई से यीशु मसीह की गवाही देंगे वहाँ दो तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी देर आर in amazement एट God's grace। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्चर्यचकित होते हैं एंड दे रिसीव इथ थैंकफुली एंड आर सेव्ड और वो इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार कर उद्धार पाते हैं then देर आर those who rationalize the rejection of God's grace. परंतु कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के इनकार को बुद्धिसंगत बनाते हैं

But Jesus himself told us that his name is divisive. परंतु यीशु ने स्वयं हमें बताया कि उसका नाम विभाजित करने वाला नाम है Jesus himself told us that he came to bring a sword. यीशु ने खुद हमें बताया कि वो तलवार चलवाने आया है Jesus himself told us that he came to bring fire. यीशु ने खुद हमें बताया कि वो आग लगाने आया है Jesus himself told us that there are sheep and there are goats. यीशु ने खुद हमें बताया कि यहाँ भेड़ें और बकरियाँ हैं जीजस हिमसेस दर इज वीथ एंड देर इज चै ये शु ने खुद हमें बताया की यहाँ गेहूं और भूसा है

ये नहीं समझते कि वही है जो हर सुबह सूरज को उदय होने की आज्ञा देता है वही है जिससे सब आशीषें बहती हैं। और जब उसे वापस ले लिया जाएगा तो उनके लिए धरती नर्क बन जाएगीव रिसीव जीज एस क्राइस्ट परंतु वो जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है those who have him, वो जो उसकी आराधना करते हैं दे विल एक्सपीरियंस इटर्निटी इन वो स्वर्ग में सदाकाल का अनुभव करेंगे ही इज waiting फॉर यू वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है विल यू हिम क्या आप उसके पास आएंगे विल यू रिसीव हिम क्या आप उसे ग्रहण करेंगे and then write and tell us. और फिर लिख कर हमें बताइए richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ